थाना शहर करनाल क्षेत्र में लूट, स्नैचिंग, अवैध वसूली और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाला गिरोह गिरफ्तार। करनाल पुलिस अधीक्षक करनाल श्री सुरेंद्र सिंह भौरिया के आदेश अनुसार पिछले कुछ दिनों में सदर बाजार करनाल के क्षेत्र में घटने वाली स्नैचिंग व अन्य वारदातों में छानबीन करते हुए प्रबंधक थाना शहर करनाल निरीक्षक हरजिंद्र सिंह व उनकी टीम ने जाँच के आधार पर दिनांक 20 नवंबर 2019 को आरोपी विनय पुत्र कर्म सिंह वासी जाटोगेट करनाल को जाटोगेट करनाल क्षेत्र से गिरफ्तार किया। जी सर, क्या मामला आया है जो अभी जो आरोपी पकड़े गए हैं, कहाँ के थे और कैसे करते रहे चोरी के बारे में? एक गैंग के 3 लड़के अरेस्ट किए गए हैं हमारी सिटी पुलिस टीम द्वारा, जो कि तीनों में से एक गुरमीत उर्फ कोरी, एक साहिल और थर्ड विनय कुमार, ये 3 लड़के अरेस्ट किए हैं जिन्होंने अभी पूछताछ में एक रिसेंटली आज से 10-15 दिन पहले एक लेडीज़ के घर में डकैती हुई थी, जो घर में कूद कर उसकी सोने की बालियां, चांदी और जो भी उसे लूट की थी, ये वही गैंग था। इस लड़के अरेस्ट करके इनसे रिकवरी की गई है और अभी इन्होंने पूछताछ में करीब 10 के करीब वारदातें मानी हैं जिनमें लूट, चोरी, स्नैचिंग, अवैध वसूली और ये सभी इंक्लूड है। और इन पर 3 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं और जो स्नैचिंग के मोबाइल, लेडीज़ पर्स और जो भी कुछ कैश था और कुछ सोने की चीज़ और कुछ चांदी से बरामद किए गए। अभी आज इन्हें पेश करके कोर्ट में और रिमांड लिया जाएगा और आगे और पूछताछ की जाएगी और चोरी पुलिस। सर, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या मतलब करते क्या थे ये, क्या नशे वगैरह की इसमें? ये दो, एक तो जाटो गेट का रहने वाला है और इसके अलावा 2 अर्जुन गेट के रहने वाले हैं। ये नशे में नशा करते हैं लड़के, नशे की उसी में ये सब वारदातों को अंजाम देते हैं। आगे की कार्रवाई क्या रहेगी सर? इन्हें आज पेश किया जाएगा कोर्ट में, रिमांड खत्म हुए आगे और रिमांड लिया जाएगा और पूछताछ की जाएगी और बाकी भी वारदातों के बारे में इसे पता किया। पहले भी सर इन पे कोई आरोप वगैरह? पहले भी मुकदमे दर्ज है।